अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसे हो गए भाई बहन? ठीक होंगे उम्मीद करती हूँ। और आज हम ये वीडियो लेके आए, तो ये लाल मिर्ची और ये लहसुन है हमारे पास। अभी हम जो चटनी बना रहे हैं तो वो अलग तरीका है हमारे पास। ये छोलो, छोलों का आप लोग तो सालन पकाएंगे तो हम तो चटनी बना देंगे। तो ये छोले हैं, छोले मैंने भिगो थे पानी में भिगो के रखे थे रात से मैंने, तो भिगो के मुखाना तो भिगो के हम डाल रहे हैं अभी नमक। ये छोले जो है ये दिखा रहे हैं, ये छोले सिर्फ भिगो के हमने रखे थे घर में, सिर्फ भिगो के पानी में, ये बॉयल नहीं है, ऐसे कच्चे छोले हैं, सिर्फ भिगो के रखे थे। सिर्फ 8 से 7 घंटे भिगो के रख उसके बाद बनाए चटनी। उम्मीद करते हैं कि ऐसी चटनी आपने कभी खाई भी नहीं। अभी हम ये उसमें डाल रहे हैं उखली में, फिर हम इसको कूट रहे हैं अच्छी तरीके से। अभी हमें ये कूट दिया है, पहले थोड़ा सा कूट रहा था, फिर कूट रहा था, जो अच्छी तरह से ये कूट जाए। ये देखिए देखें कि छोले की चटनी तो कभी आपने बनाई नहीं होगी, तो हम गांव में बनाते हैं, बिल्कुल इसकी अच्छी रेसिपी बनती है, मगर ये हम तरीका आपको बता रहे हैं किस तरीके से बनाई जाती है। तो ये देखें थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे से आराम आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके इसको थोड़ा थोड़ा करके कूटना पड़ेगा, उखली में कूटना पड़ेगा। तो हमने जो लाल मिर्ची डाली थी ना वो भी अलग से थोड़ी निकाल के रखी है, और दूसरी भी चीज़ें ये देखें प्यापी भाभी भी निकाल रही है इस तरीके से। ये कच्चे छोले हैं, सिर्फ भिगो के रखे थे पानी में, वो वाले छोले हैं, मगर आप ये सोचेंगे कि बॉयल नहीं है। अभी हमारे साथ रहें तो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें आपको बताते चलेंगे किस तरीके से बनाया जा रहे हैं। अभी हम ये ऑयल ऐड कर रहे हैं। ऑयल को अच्छी तरीके से पकाना पड़ेगा, जब ऑयल पक जाए उसके बाद डालना याद से, वरना ये चटनियां जो ऐसी होती हैं जो जब ऑयल नहीं पकता है पहले डाल देते हैं तो टेस्ट नहीं देती है खाने में। ये याद से और भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता रही हैं। तो ये देखें मिक्स करना पड़ेगा जो हमने कूटा था, जो कूट के हमने छोले पड़े हुए कूटे हुए उसकी चटनी बना रहे हैं। ये देख बिल्कुल एकदम कड़क हो गया, अभी इसमें डाल रहे हैं, अच्छी तरीके से हिलाएंगे। ये देखें बिल्कुल एकदम, कोई भी और चीज नहीं डाली है, सिर्फ सस्ती तरीन रेसिपी। थोड़ा सा पानी डाला है जो उसमें हम चटनी में डालेंगे तो और अच्छा बनेगा। तो अभी देख रहे मसाला डाल रहे हैं, देख रहे अभी हम थोड़ा सा इसमें मसाला डाला और टेस्ट होगा चटनी का, बस उसके लिए ज्यादा नहीं मसाला डालना। जो इधर लेके आ कैमरा देख तो चटनी कैसी बनी है। तो ये देख अभी ये हमारा तैयार हो गया है। तो चटनी तो सालन बोले तो या चटनी बोले, तो हम तो छोलों की चटनी बना दे, आप लोग तो सालन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह हमें रोज़ी में बरकत फरमाना। अस्सलामु अलैकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सारे मेरे बहन और भाई सारे ठीक होंगे। तो अभी हम जो खाना जो हमने पकाया था, जो रेसिपी हमने बताई थी, वो भी रेसिपी हम आपको ये आपकी जायदा खुद खा के बता रही। रेसिपी कैसी बनी है जायदा थोड़ा आप बताएँ व्यूअर्स को, तो आपकी तरफ थोड़ा कैमरा है। तो अभी हम खुद क्योंकि नाराज़ हैं हमसे, तो अभी हम खुद खा के आपको बताते हैं कि रेसिपी कैसी बनी। तो क्योंकि अभी मनाना तो पड़ेगा ना, अभी नाराज़ है थोड़ी। तो अभी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनी है, इस तरीके से फिर बनाएंगे तो अल्लाह करम और फजल से बहुत ही अच्छी आपकी रेसिपी।